हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में डिटेल से जानेंगे कि डेटाबेस में जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या बोला जाए तो उनकी किन क्या क्या कैटेगरी हो सकती है डेटाबेस डेवलपिंग या डिज़ाइन करते वक्त जो लैंग्वेज होते हैं। यहाँ तीन टाइप के लैंग्वेज, या बोला जाए तो तीन कैटेगरी में लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का थोड़ा डील करते हैं, DDL जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। डेटाबेस लैंग्वेज में इस लैंग्वेज का यूज़ हम किसी भी डेटाबेस स्कीमा मतलब डिज़ाइन को क्रिएट करना, डिलीट करना या मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, हम इसे DDL कहते हैं। डिफिनेशन का तात्पर्य होता है उसे डिज़ाइन करना, तैयार करना, और उसके लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है उन सभी को हम DDL के अंतर्गत रखते हैं। यह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसे शॉर्ट में DBA के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, उनके द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। DDL स्टेटमेंट स्कीमा में चेंजेस ला सकते हैं। स्कीमा यानी सरल भाषा में स्कीमा का मतलब होता है उनका स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन, कि वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। DDL आप समझ गए होंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एग्जांपल में देख सकते हैं, क्रिएट कमांड एक कमांड होता है जो कि कोई किसी टेबल को डेटाबेस में किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं या इसका एग्जांपल देख सकते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट देन एन ऑल। यहाँ पे स्टूडेंट एक टेबल का नाम है और यहाँ पे क्रिएट टेबल एक कमांड है। एग्जांपल में ड्रॉप भी कमांड है, ड्रॉप के द्वारा किसी भी डेटाबेस के टेबल को डिलीट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप स्टूडेंट, इस कमांड से स्टूडेंट नाम का टेबल डेटाबेस से डिलीट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टर कमांड, इसके द्वारा भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक्चुअली इन सारे कमांड्स को हम एक नए सेशन में सारे कमांड को एक साथ डील करेंगे। आगे आता है नेक्स्ट लैंग्वेज, होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में DML कहा जाता है। यह डेटाबेस में डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और डेटा रिट्रूवल आदि प्रकार, यानी इस प्रकार के ऑपरेशन को इनेबल करना या इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो DML कहलाता है। हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारे कमांड्स हैं अलग अलग, जिनके द्वारा हम अपने डेटाबेस में इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यदि डेटाबेस में कोई वैल्यू या डेटा इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, अपडेट करना चाहेंगे या डिलीट करना चाहेंगे तो इन सभी कमांड्स को हम DML कहते हैं। DML कंपाइलर जो कि DML स्टेटमेंट्स को लो लेवल या बोला जाए तो डेटाबेस इंस्टेंट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एक कंपाइलर होता है, DML कंपाइलर, लाइक अदर जो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी कंपाइलर्स होते हैं जो कि समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या जिसे समझा जा सके उन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। नॉर्मली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट आर DML कमांड्स, ये सारे DML कमांड्स हैं। और भी कमांड्स होते हैं, बेसिकली दीज आर द कमांड्स दैट इज यूज फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट देखते हैं, हमें नेक्स्ट जो लैंग्वेज था इस एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। देख सकते हैं इंसर्ट इंटू स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट एक कमांड का नाम है। इंसर्ट इंटू एक कम्प्लीट स्टेटमेंट्स है, सिंटेक्स है, स्टूडेंट उस पर्टिकुलर टेबल का नाम है जिसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। आप देख सकते हैं वैल्यूज करके ब्रैकेट में ए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है A-101 एंड ऑल, ये सभी स्टेटमेंट कंप्लीट क्या करता है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट नाम के टेबल में इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अपडेट देख सकते हैं, उसमें क्लास की वैल्यू 11 अपडेट किया गया है। डिलीट देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर जो नाम है उसे डिलीट किया गया है। और सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यह सिलेक्ट ऑपरेशन के द्वारा पर्टिकुलर किसी भी टेबल को हम उसे सभी डेटा को एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं या उन्हें देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL जो डेटाबेस में डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ग्रांट या रिमूव, ये दो अलग अलग कमांड्स हैं। इन दोनों कमांड्स में एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है, या पर्टिकुलर यूज़र को
हम कोई परमिशन देना चाहते हैं तो ग्रांट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत सेलेक्ट, अल्टर, डिलीट, एग्जीक्यूट, इंसर्ट, इंडेक्स आदि असाइन होते हैं। सरल भाषा में कहें तो यह उन्हें अप्लाई करने के लिए या बोला जाए तो उन चेंजेस को फिक्स करने के लिए, फिक्स मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर, या उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए ग्रांट कमांड का यूज़ किया जाता है। साथ ही इन सभी कमांड्स को वापस लेने के लिए हम रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं। जो भी प्रिविलेज दिया जाता है यूज़र को, उन सभी प्रिविलेजेस को वापस लेने के लिए हम रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं, और किसी पर्टिकुलर यूज़र को कोई प्रिविलेजेस देने हैं तो हम ग्रांट कमांड का यूज करते हैं। फिलहाल हमने डेटाबेस लैंग्वेज के टाइप्स को जाना, समझा, उनकी कैटेगरी को समझा। इसके बारे में हम कमांड्स को भी डील करेंगे। इस लेक्चर के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।